मित्रों नमस्कार। आज हमारे लिए काफ़ी हर्ष का विषय है कि हमारे बीच हिंदी के वरिष्ठ लेखक और वर्तमान में साहित्य अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष, दस्तावेज पत्रिका के संपादक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी उपस्थित हैं। इस संगति का लाभ लेते हुए हम उनसे कुछ साहित्यिक पारिवारिक चर्चा करेंगे और एक लेखक के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे। एक लेखक कैसे बनता है, उसके अंदर विचार और अनुभव किस तरह परिपक्व होते हैं और आत्म एवं बाह्य दोनों तरह के संघर्षों के बीच पककर वह कैसे उन संघर्षों को और कई बार खुशियों के पल को अपने शब्दों में उतारता है, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, जिनके कई कविता संग्रह, यात्रा संस्मरण, आलोचना की कई पुस्तकें, आत्मकथा, डायरी प्रकाशित हैं और हम सभी उनसे अवगत हैं, उनके लिखे को, उनके विचारे को हम अरसे से पढ़ते सुनते और गुनते आए हैं। उनके चर्चित काव्य संग्रह आखर अनंत, चीज़ों को देखकर फिर भी कुछ रह जाएगा, बेहतर दुनिया के लिए साथ चलते हुए, शब्द और शताब्दी हैं। अगर आलोचना की बात करें तो आधुनिक हिंदी कविता, समकालीन हिंदी कविता, रचना के सरोकार, कविता क्या है, गद्य के प्रतिमान, गद्य का परिवेश, आलोचना के हाशिए पर छायावादोत्तर हिंदी गद्य साहित्य आदि पुस्तकें काफ़ी चर्चित रही हैं। एक कवि जब आलोचक बनता है तो उसकी गद्य की भाषा क्या होती है, हमें इन पुस्तकों में सहज ही देखने को मिलता है। अगर हम यात्रा संस्मरण की बात करें तो आत्म की धरती, अंतहीन आकाश उनके खूब चर्चित यात्रा संस्मरण रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में एक भारतीय मन भी किस तरह से दुनिया भर में आज सबसे बड़े मुद्दे के रूप में उभरते माइग्रेशन को इन्होंने जिस तरह से पकड़ा है, जिस तरह से उसे चित्रित किया है, वह हर एक प्रवासी को आज पढ़ने की आवश्यकता है। इनकी आत्मकथा अस्ति और भवति, जो नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित हुई, एक विशद ग्रंथ है और सुदूर गांव से लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अनुभवों तक तमाम दरवेशी मिजाज के साथ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष की कुर्सी तक, ये सभी विवरण हमें इनकी आत्मकथा अस्ति और भवति में पढ़ने को मिलते हैं। ऐसे ही एक विशद व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी से हम रूबरू हो रहे हैं, यह हमारे लिए बेहद ही गौरव के पल हैं। इनकी एक कविता है पलायन। ऐसा है कि मेरा माथा भन्ना रहा है और मैं आजीज आ गया हूँ। यह आधी रात, सुनसान सड़क और मैं केवल भट्टियों के साथ ही नशे में चूर लड़खड़ाते लौट रहे हैं। जहन्नुम में जाए यह और वह और वह और यह, और मैं पीकर सड़क किनारे लुढ़क जाना चाहता हूँ। यह कविता
शराब या नशे की कविता नहीं है। यह कविता कहीं न कहीं बिल्कुल दुनिया से निरपेक्ष हो जाने की भावना के साथ लिखी गई एक सशक्त कविता है, जिसमें कवि का औघड़ मन हमारे बीच आता है। यही कवि जब राग और प्रेम की बात करता है, जब वात्सल्य देखता है, तो अपनी कविता एक बच्चे का जन्म में वह लिखता है। अभी अभी माँ के गर्भ से धरती पर आया है ताजा ताजा बच्चा, गूंधे हुए आटे के लोंदे सा, नरम और लाचार, तवे पर रोटी सा सिंकने के लिए तैयार। एक तरफ वात्सल्य की कोमलता, नवजात शिशु की रवानगी, तो दूसरी तरफ जब वह बड़ा होगा और दुनिया से टकराएगा तो उसका एक अनुमान। यही कविता है, यही जीवन है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम क्यों न अपने इस लेखन के विराट पुरुष से कुछ बेहद ही सहज और सरल से सवाल करें और उनके अनुभवों से लाभान्वित हों। तिवारी साहब, इस कड़ी में मैं शुरुआत आपके बचपन से करना चाहता हूँ कि आपका बचपन कैसा था और बचपन की कुछ ऐसी यादें जो आज भी आपके साथ चल रही हैं, हमें बताएं। अनुपम जी, बचपन की यादें मेरी बहुत साधारण हैं। एक बहुत ही पिछड़े हुए गांव में मेरा जन्म हुआ और एक संपन्न लेकिन गृहस्थ परिवार में, किसान परिवार में, और साधारण से बच्चे जैसे धूल और मिट्टी में खेलते हैं, उसी तरह से मेरा भी जीवन बीता है और उसी तरह की शिक्षा दीक्षा भी हुई है। पुरानी यादों को सहेजते हुए मुझे सबसे आश्चर्यजनक तो ये लगता है कि बचपन में मैं बेहद उदंड किस्म का बालक था, जो अपनी शरारतों के कारण न केवल गांव में बल्कि पूरे कई गांव में, पूरे क्षेत्र में विख्यात या कहें कि कुख्यात था। लेकिन मेरे भीतर कुछ ऐसा था जो कुछ ऐसी ऊर्जा थी जो शायद बाहर निकलना चाहती थी, और वो बेचैनी कुछ इस तरह की बेचैनी थी जिसको कि जिगर मुरादाबादी के उस्ताद असगर गोंडवी ने अपने एक शेर में बहुत अच्छी तरह व्यक्त किया है, ख़ास कुछ बेताबियों का नाम इंसान पड़ गया, वरना क्या रखा था तरतीब अनासिर के सिवा। वाह जी जी, बड़ा अच्छा लगा सर आपने इस शेर के साथ हमें, हमसे अपने बचपन के अनुभव साझा किए। एक चीज जो हम सभी लोग जिससे गुजरते हैं अपनी किशोरावस्था और अपनी युवावस्था, और वह जो फॉर्मेटिव पीरियड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उस फॉर्मेटिव पीरियड में कई चीज़ें हमारे साथ चलती हैं, हमारे प्रेम, हमारा करियर, हमारे घर का दबाव। तो उन फॉर्मेटिव पीरियड में बनने के उन कालों में आपको ले जाते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप स्कूल में और कॉलेज के दिनों में क्या बनना चाहते थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में मैं सच बताऊँ तो मेरे मन में कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई ऐसी कल्पना, कोई ऐसी महत्वाकांक्षा बनने की नहीं थी।
और जैसे एक बूंद की यात्रा होती है, बूंद जब हरियाउत जी की एक कविता है कि बूंद जब आकाश से निकलती है, सोचती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, किसी तप्त रेगिस्तान में गिरूँगी या कहीं वीराने में गिरूँगी, लेकिन होता यह है कि एक सीप का मोती, एक सीप का मुंह खुला हुआ है और वो बूंद उसमें गिरकर मोती बन जाती है। तो उस कविता के अंत में हरिऔध जी लिखते हैं, लोग यों ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। जी, उसी बूंद की यात्रा की तरह से मेरे जीवन की यात्रा रही, जिसे मैंने अपनी आत्मकथा में जो शीर्षक दिया है, पंख फड़फड़ाना एक तोते का। जी, ऐसे ही पंख फड़फड़ाता रहा, मगर निरुद्देश्य, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं सामने था। ये था कि पढ़ना है कक्षा में, और अच्छा विद्यार्थी था, मेहनत कम करता था, पढ़ने में बहुत गंभीर नहीं था, मगर अच्छे अंकों से निकलता गया। घर के की आर्थिक परिस्थितियों का दबाव मेरे ऊपर नहीं था, जैसा कि कुछ लोगों को होता है जी। इसलिए सामान्य रूप से पढ़ना ही जीवन का लक्ष्य था, पढ़ता रहा। धीरे 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 पता नहीं मेरे भीतर क्या था, कौन सी सृजनात्मक प्रेरणा थी जो धीरे 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 अपने आप निकलती गई सहज रूप में। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे एक के बाद एक परिस्थितियां आती गईं और मैं बनता गया अपने को। जी, तो कहीं कुछ विशेष नहीं सोच रखा था या पिता ने या माता ने या बड़े भाई ने या और किन्हीं अभिभावक ने कहा हो कि विश्वनाथ तुम यह बनो, विश्वनाथ तुम यह नहीं वह बनो? ऐसा मेरे अभिभावकों ने नहीं कहा या न सोचा, ये भी एक आश्चर्य है मेरे जीवन का। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, मैं ही सबसे बड़ा भाई हूँ। जी, और मेरे पिता चाहते थे कि मेरे बाद ये खेती कराएगा। जी, पिता की ये इच्छा थी। मेरे ग्रैंडफादर बाबा जरूर सोचते थे कि ये लड़का कुछ आगे बनेगा, मगर क्या बनेगा वो नहीं जानते थे। हो सकता है उनके मन में कभी कभी कहते थे, तुम जज बनोगे, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तर्क करते हो, तो ये सब इच्छाएं थी, लेखक बनने या बनाने की इच्छा नहीं थी। मगर मुझे आज यह लगता है कि जो सृजन के तत्व होते हैं वो कहीं भीतर होते हैं, और उसकी कोई ऑब्जेक्टिव वस्तुपरक व्याख्या मेरे पास नहीं है, लेकिन वो तत्व थे, और वो धीरे धीरे वो तत्व मेरे भीतर से निकले। इसलिए किसी की कोई इच्छा बनने या बनाने की या स्वयं की भी इच्छा न होते हुए भी मैं लेखक बन गया। जी, तो कैसे, मतलब कब लगा कि मुझे लिखना है, और आपके लिखे हुए कब प्रकाशित होना शुरू हुए, कॉलेज में, स्कूल में, किस तरह? जब मैं इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था 1955-56 में, जी, तभी मैंने दो कविताएं लिखी। अचानक ही वो मेरे मन से आई, और वो दोनों कविताएं अनगढ़ कविताएं हैं आज की दृष्टि से, मगर वो दो कविताएं मैं लिख गया, दोनों मेरे कॉलेज की पत्रिका में छपी। जी, और फिर लिखने का क्रम जारी रहा, लिखता था, फाड़ता था, पढ़ता था। फिर बीए और एमए में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, तमाम साहित्य की किताबें, और पढ़ता भी था, कुछ लिखता भी था। जी, कुछ परिवार की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा, आप कितने भाई और बहन हैं?
मैं पांच भाई हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ और चार भाई मेरे छोटे, दो बहनें, पिता माता, यही परिवार है। यह जो एक संयुक्त परिवार से आप आते हैं और एक ग्रामीण पृष्ठभूमि है, फिर आप शहर में आए, तो पारिवारिक व्यवस्था जो हमारी होती है उस व्यवस्था का हमारे मनोजगत पर आपके दृष्टिकोण से कैसा असर पड़ता है? मैं संयुक्त परिवार व्यवस्था का कायल हूँ। संयुक्त परिवार व्यवस्था को मैं बहुत महत्व देता हूँ और आज भी प्रायः ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेरे साथ मैं पत्नी, दोनों बेटे, उनकी पत्नियाँ और उनके बच्चे, आज भी हम 10 की संख्या में एक साथ रहते हैं, जिनका भोजन एक साथ बनता है जी। और कुछ दिनों पहले यानी 15-20 वर्ष पहले तक मेरे भाइयों का परिवार भी मेरे साथ शहर में ही रहता था, मेरे साथ शिक्षा पाता था। तो एक तरह से मैं परिवार को इस रूप में लेता हूँ, अपने व्यक्तिगत रूप में, कि संयुक्त परिवार की सुरक्षा ने मुझे बहुत सुरक्षित किया है और मुझे वह स्पेस दिया है, वो अवकाश दिया है, आकाश दिया है, जिसमें मैं अपने लेखन कर्म को, सृजनात्मक कर्म को, साहित्यिक कर्म को अधिक से अधिक समय दे सकूं। जी, जिस काल में आप पैदा हुए और किशोर हुए, उसी काल की एक कथा है, उपन्यास है, गीतांजलि श्री का माई। संयोग से मैं उस उपन्यास को इन दिनों दोबारा पढ़ रहा हूँ। उसमें जिस माई का चित्रण है और आज़ादी के बाद सामंतवादी व्यवस्था में दादा जो एक बड़बोले हैं और पिता जो उस सामंत के पुत्र हैं और दब्बू किस्म के हैं, दादी जो दादा से अलग घर के अंदर रहती हैं, अपनी बहू पर हुकूमत चलाती हैं, और वह जो माई है जिसकी यह कहानी है, जिस पर पूरा यह उपन्यास गीतांजलि ने केंद्रित किया है, वह दबी सहमी सिकुड़ी रहती है। और उसमें संयोग से वह उत्तर प्रदेश के ही एक कस्बे का उसमें जिक्र है, जहाँ दो जो बच्चे हैं उस माई के, सुनैना और सुबोध, वो उसकी इस हालत पर चिढ़ते हैं, उसे दूर करने की कोशिश करते हैं और बहुत हद तक उसमें सफलता भी पाते हैं। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि एक तरफ आप संयुक्त परिवार को लेकर जिस पीढ़ी से आते हैं बड़े मुतमईन नज़र आते हैं, दूसरी तरफ उस कृति में एक निराशाजनक स्थिति भी हमें देखने को मिलती है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जो लेखक होते हैं उनके अपने अपने परिवेश होते हैं और अपनी अपनी दृष्टि होती है। लेखक जैसा चाहता है वैसा ही आप देखते हैं, क्योंकि लेखक जो शब्दों के द्वारा एक परिवेश रचता है और उस परिवेश में जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करता है, वो न भी यथार्थ हो तो पाठक को यथार्थ लगता है, यही लेखक की सिद्धि है जी। तो हर लेखक का, अब जिस उपन्यास की आप चर्चा कर रहे हैं उसका परिवेश अलग है। मैं अपनी व्यक्तिगत जिस परिवार व्यवस्था का जिक्र कर रहा हूँ उसका परिवेश अलग है। उसमें जो माँ है या जो बहू है, उस पर मैंने अत्याचार होते नहीं देखा है, लेकिन पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है
वो वहाँ भी है जी। वहाँ भी जो पुरुष है वही करता है, करने वाला है जी। और उस कर्ता का दंभ न भी हो तो उस कर्ता का जो 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 प्रभाव है वो पूरे परिवार पर रहता है। यह प्रभाव हमारे पिता का भी रहा, लेकिन हमारा जो परिवेश है उसमें मैंने देखा कि पिता ने कभी भी परिवार के सदस्यों पर बहुत ज़्यादा अंकुश नहीं लगाया, उनको आकाश में बढ़ने दिया। मैंने अब शुरू में कहा है कि मैं बहुत ही उदंड किस्म का बालक था, लेकिन हमारे परिवार ने मेरी उदंडता पर कोई अंकुश नहीं लगाया, स्वतंत्र छोड़ा। मैंने स्वतंत्रता का स्वाद अपने बचपन में महसूस किया था और मैं स्वयं आज भी अपने जीवन में इस समय उस स्वतंत्रता का स्वाद अपने जो 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 नीचे के लोग हैं उनको चखाना चाहता हूँ। इसलिए लेखकों के परिवेश में अलग अलग परिवेश होते हैं और हर तरह की व्यवस्था आपको अपने यहाँ की संयुक्त परिवार व्यवस्था में दिखाई पड़ेगी जी। एक चीज़ और, कई बार हम लेखक भी हालांकि परकाया प्रवेश करते ही हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उस संयुक्त परिवार में स्त्री की मनोदशा को, उसके अंदर की व्यथा को या उसके अंदर की उड़ान को उस तरह नहीं देख पाते जिस तरह एक स्त्री देख लेती है? फिर चाहे वह स्त्री मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, मेरी पत्नी हो या मेरी बेटी। देखिए, स्त्री की जो स्थिति है आज भी परिवार में वो बहुत दयनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कितना भी उनको आप स्वतंत्र रखते हैं, आप उन पर अंकुश नहीं लगाते, लेकिन स्त्री की मनोव्यथा यह सही है कि बहुत गहरी है। उसमें प्रवेश करने पर पता लगता है कि किस तरह वो अपनी आकांक्षाओं को समेटे होती हैं, अपनी बहुत सारी जो इच्छाएं हैं उनका दमन किए रहती हैं और परिवार के हित में उनकी कुर्बानियां देती रहती हैं। ये भारत के मध्य वर्ग की स्त्रियों की सामान्य सी विशेषता है। अगर हम उनको उभारने की चेष्टा से कोई रचना करते हैं तो हम वहाँ तक जाएंगे और उनको उभारने की कोशिश करेंगे, उन स्त्री चरित्रों को। इसलिए अगर कोई ऐसा करता है तो वो यथार्थ चित्रण करता है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। मगर कुछ परिवारों में या कुछ परिवार व्यवस्थाओं में अत्याचार होते हैं स्त्री पर, उस तरह के अत्याचार मैंने अपने निजी परिवार में नहीं देखा है जी। तिवारी साहब, जब हम स्त्री की चर्चा कर ही रहे हैं तो स्त्री लेखन पर भी कुछ बात हो जाए। स्त्री विमर्श तो खैर पहले से ही चला आ रहा है और कई महत्वपूर्ण लेखिकाओं ने, महादेवी वर्मा से लेकर अब तक और उससे पहले भी काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन जिस स्त्री विमर्श को लेखन के केंद्र में लाने का कार्य राजेंद्र यादव जी ने किया था और उसके बाद वह जिस रूप में आज है, इस पर आप क्या कहते हैं? आज का स्त्री लेखन आपको किस तरह प्रभावित करता है? देखिए, स्त्रियों ने जो कुछ लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, स्त्री जीवन की व्यथा कथा को। मगर जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है,
स्त्री विमर्श को एक नारे के रूप में या एक पश्चिमी प्रभाव के रूप में लेने से उसके प्रति जो लेखक का लेखक की दृष्टि है वो थोड़ी बदल जाती है। ये स्त्री विमर्श यूरोप से चला है और यूरोप में स्त्रियों पर बहुत अत्याचार हुए, उतने अत्याचार भारत में नहीं हुए। स्त्रियों को बहुत से देशों में मताधिकार बाद में मिला। राजेंद्र यादव ने जो स्त्री विमर्श शुरू किया उसमें स्त्री की देह तक पहुंचे और देह की मुक्ति को उन्होंने स्त्री मुक्ति के लिए बहुत जरूरी माना, उसको बहुत महत्व दिया। मेरी इससे सहमति नहीं है। मैं यह मानता हूं कि स्त्री को आर्थिक निर्भरता मिलनी चाहिए, स्त्री को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, स्त्री को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। ये अधिकार अगर स्त्री को मिलते हैं, मुख्य रूप से स्त्रियां अगर शिक्षित की जाती हैं और स्त्रियों को अगर आर्थिक निर्भरता मिलती है तो उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित हो जाती है। देह मुक्ति एक बहुत विवादास्पद बात है। यूरोप के कई देशों में स्त्री को देह मुक्ति मिली हुई है। अम्स्टर्डम में यानी नीदरलैंड में, जिसको हॉलैंड कहते हैं, आप देखिए कि और भी देशों में वेश्यावृत्ति कानूनन जायज है लेकिन वहाँ स्त्री को इससे मुक्ति नहीं मिली हुई है। स्त्री की मुक्ति तभी है जब वो शिक्षित हो, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, परिवार में पूंजी पर उसका हक हो, परिवार के निर्णयों में उसका हक हो, इतना पर्याप्त है। जी, स्त्री विमर्श जो पश्चिम से लगभग आयातित होकर भारत में आया, हिंदी में आया, तो वह जिस मुकम्मल रूप में आना चाहिए था शायद उस रूप में नहीं आ पाया। उसके एक छोटे से अंश देह मुक्ति तक सिमट कर रह गया, जिसकी अपनी कई कहानियां और साहित्य की अपनी राजनीति है। आपसे यह जानना चाहूँगा, और अगर कुछ नाम उद्धृत कर सकें तो और बेहतर होगा, इस पर अधिक रोशनी दी जा सकेगी, कि इन स्त्री विमर्श से परे जो स्त्री लेखन हुआ, जो बिल्कुल आपको मौलिक लगता है, स्लोगन से परे लगता है, तो वो ऐसी कौन सी लेखिकाएं हैं? देखिए, महादेवी वर्मा ने बहुत पहले श्रृंखला की कड़ियां लिखी, वो सारे निबंध स्त्रियों के बारे में। और मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा लेखक हो जिसने स्त्रियों को बहुत सहानुभूति से न देखा हो, बड़े लेखकों ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जिनको लोग कुछ लोग जिनको नहीं इसमें ले आएंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती और लक्ष्मी की प्रतिमा बनवाई, एक मंदिर बनवाया और उसके बीच में अपनी पत्नी की प्रतिमा बनाई। उस जमाने में अपने घर में ऐसा किया, अपने घर में, और वो मंदिर बनवा के उन्होंने उनकी पत्नी की प्रतिमा उस मंदिर में आज भी स्थापित है। ये लेखकों ने ऐसा
शायद ही कोई लेखक आपको मिले जी। लेकिन वो इस नारे के अलग रख करके कर रहे हैं, वो स्त्री विमर्श के प्रभाव में नहीं लिख रहे हैं जी। ये उनका उनकी सहज संवेदनशीलता है। मैंने स्वयं सबसे ज्यादा कविताएं स्त्री के बारे में लिखी हैं। मैंने लगभग जितनी कविताएं लिखी हैं उनका 10वां हिस्सा, 1/10 स्त्री के बारे में। माँ के बारे में 7 कविताएं हैं और तमाम बहुत से कविताएं हैं, इस समय मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको मिलेंगी। मेरी कविताओं में स्त्री संबंधी कविताओं पर कई लेख लोगों ने लिखे हैं जो स्त्री संबंधी केवल कविताएं हैं, लेकिन उसमें मैंने स्त्री की व्यथा को, उसके दुख को, उसकी विवस्था को केंद्र में रख करके चित्रित किया है। उसको नारे के रूप में नहीं इस्तेमाल किया है। तो एक और आपको सूचना होगी ही कि जितनी इस समय बड़ी लेखिकाएं हैं, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, चित्रा मुद्गल, ममता कालिया, कांता, कोई भी इनमें से कोई ऐसी लेखिका नहीं है जो स्त्री विमर्श का समर्थन करती हो। सब उसके विरोधी हैं, सब उसके विरोध में बोलती हैं, लेकिन सब स्त्री लेखिकाएं हैं और लिखती हैं जी। आपने एक बहुत ही सुंदर कृति जो आपकी आत्मकथा है, अस्ति और भवती की रचना की है। स्त्रियों में आत्मकथा लेखन, जिनमें सबसे अधिक हमें मनु भंडारी जी, प्रभा खेतान जी अग्रणी पंक्ति में नज़र आती हैं, उनका आत्मकथा लेखन और दूसरी स्त्री लेखिकाओं की आत्मकथा लेखन पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से उनके भीतर की दुनिया, उनका अपना संघर्ष प्रकट होकर उनकी आत्मकथा में आया है? देखिए, सबकी अपनी अपनी आत्मकथाएं हैं और अधिकांश मेरी पढ़ी हुई भी हैं। सबने अपने अपने संघर्षों को चित्रित किया है, अपने जीवन के प्रेम की, उनकी विफलताओं की और अपनी पारिवारिक परिस्थितियों की, सबने अपने अपने ढंग से चर्चा की है। और ये जिन आत्मकथाओं की आप चर्चा कर रहे हैं, जिनके नाम ले रहे हैं, वो सभी बहुत अच्छी आत्मकथाएं हैं, मनु जी की भी, प्रभा खेतान की भी। इस समय मैं उनकी, अगर मेरी आत्मकथा का नाम उस संबंध में आपने लिया तो एक पुरुष की आत्मकथा है और उसका टोन अन्य आत्मकथाओं से अलग है। जो पुरुषों ने भी अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं और स्त्रियों ने भी लिखी हैं, मेरी आत्मकथा का जो टोन है वो कुछ अलग है। वो अलग इस मामले में है कि मेरी आत्मकथा एक तो अपने बचपन और परिवार का चित्रण एक स्तर पर करती है, दूसरे स्तर पर मेरे संघर्षों की चर्चा करती है, तीसरे स्तर पर वो एक वैचारिक और दार्शनिक किस्म की आत्मकथा है। और उसका वैचारिक पक्ष जो है वो ये कि जो जीवन भर मैं सोचता रहा हूं, जिन प्रश्नों से उलझा रहा हूं, वो भी तो मेरी आत्मकथा के अंश हैं जी। जीवन केवल घटनाएं नहीं होती हैं, जो मनोमंथन चलता रहता है वो भी जीवन का ही अंश होता है। मेरी आत्मकथा में मेरा मनोमंथन जो घटना के रूप में नहीं, वैचारिक मंथन के रूप में है, वो सामने आया है। और वो मेरी आत्मकथा का जो यह पक्ष है वो दूसरों की आत्मकथाओं से अलग कर देता है। शुरू में ही मैंने बुद्ध का उदाहरण दिया है, जो प्रथम अध्याय है 3 पेज का, अत्तानम किन गवेश्यात्। पाली में बुद्ध ने, असल में ऐसा था कि जब बुद्ध चारिका करते हुए जा रहे थे तो कुछ श्रेष्ठ जन
वणिक पुत्र किसी वेश्या को लेकर किसी जंगल में आमोद प्रमोद के लिए गए थे। उसने इन लोगों को कुछ नशीला पदार्थ या शराब या कुछ ऐसा पिलाकर इनका जो धन दौलत था, इनका माल वगैरह था, वो लेके चली गई। अब ये लोग उसको ढूंढ रहे थे। तब तक उधर से भगवान बुद्ध आ रहे थे। उनसे इन लोगों ने पूछा, उसके बारे में कहीं आपने देखा? तो बुद्ध ने पूछा, किसको ढूंढ रहे हो? तो इन लोगों ने बताया। उन्होंने कहा, अपने को क्यों नहीं ढूंढते? अत्तानम किन्न गवेश्यात्, यहां से मेरी आत्मकथा शुरू होती है कि आप अपने को क्यों नहीं ढूंढते। और मैंने उस आत्मकथा में अपने को ढूंढने की कोशिश की है, अपनी सारी कमजोरियों को एक एक कर गिनाते हुए, जगह जगह ये करने की कोशिश की है कि मैं अपने को ढूंढ रहा हूं, मैं क्या हूं। तो इस रूप में वो आत्मकथा आत्मालोचन है, आत्मान्वेषण है, अपने को ढूंढना है। और वो इन आत्मकथाओं से अलग हो जाती है। वो दुनिया को ढूंढने से के साथ साथ मेरी आत्मकथा में इतिहास भी है, अपने समय का पूरा इतिहास है, पूरा बांग्लादेश का युद्ध है, आपातकाल है, जो हमारे समय में ये घटनाएं घटती हैं, ये सारी घटनाएं हैं और विस्तार से इनके बारे में है। उनके साथ साथ बीच बीच में मैं अपने को ढूंढ रहा हूं कि मैं कहां हूं। इसीलिए उसका नाम मैंने दिया है अस्ति और भवति। अस्ति माने जो है, जो मुझ में है, और भवति माने जो हो रहा है, जो है और जो हो रहा है, बीइंग एंड बिकमिंग। जी, यह बेहद ही रोचक है कि आपने अपनी आत्मकथा पर इतने विस्तार से और उसे सारबद्ध करते हुए यह टिप्पणी की। अमूमन यह सवाल पूछा ही जाता है कि व्यक्ति को या किसी लेखक को आत्मकथा कब लिखनी चाहिए और वह अपने उम्र की किस अवस्था में यह सोचता है कि हाँ, अब मैं जोखिम ले सकता हूँ और कुछ ऐसी अनकही कहानियाँ भी लोगों के सामने ला सकता हूँ। तो क्या आपके सामने भी, जब आप यह आत्मकथा लिख रहे थे, इस तरह के किसी जोखिम का दबाव आपके ऊपर था? देखिए, मैंने अपनी आत्मकथा 72 वर्ष पूरा करने पर लिखी। उसकी जो टिप्पणियाँ थी, नोट्स थे मेरी फाइल में, वो 40 वर्षों से लिखे जा रहे थे, जिसमें तिथियाँ भी हैं और जिसमें घटनाएं भी हैं, लेकिन वो बेतरतीब फाइलों में पड़े हुए थे। जब मैंने अपना 72 वर्ष पूरा किया और साहित्य अकादमी का अध्यक्ष हुआ, तो मैंने उपाध्यक्ष हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया। और वो आत्मकथा उसी दिन ख़त्म हो जाती है जिस दिन मैं अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठता हूँ, यानी आज के 4 वर्ष पहले, ठीक 4 वर्ष पहले के समय तक की उसमें घटनाएं हैं। अध्यक्ष होने के बाद की कोई घटना नहीं है, कोई विवरण नहीं। तो 72 वर्ष पूरा करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने 40 वर्षों से जो नोट्स लिए हैं, उन पर कुछ लिखना चाहिए। फिर मैंने उन पर वो क्रिएटिव ढंग से 1.5 वर्ष लगाए उसको लिखने में। और पूरे सबसे बड़ी बात यह कि मैंने अपने पूर्वजों के बारे में लिखा है, जो आरंभ में 60 पृष्ठ हैं लगभग, केवल पूर्वजों के बारे में, क्योंकि मैं वही हूँ जो कि मेरे पूर्वज हैं, उन्हीं के संस्कार, उन्हीं का DNA, उन्हीं के का सब कुछ मुझे मिला है, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ। इसलिए सबसे पहले मैंने पूर्वजों के बारे में लिखा, तब वहाँ से अपना शुरू करता है। और जो दबाव तो कोई ऐसा नहीं था, लेकिन
ये ज़रूर एक बात थी कि जिस दुनिया में मैं आया और जिसमें धीरे धीरे जी रहा हूँ या कहिए कि मर रहा हूँ, उस दुनिया के बारे में, अपने संबंधों के बारे में कुछ लिखना चाहिए, ऐसा दबाव स्वयं मेरे भीतर से पैदा हुआ, कहीं बाहर से नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि इसे लिख देने से संभव है लोगों की दिलचस्पी मुझ में न हो। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, बहुत साधारण आदमी हूँ। मैंने लिख दिया है कि मुझ में कोई असाधारण चीज़ नहीं है, मैं बहुत साधारण आदमी हूँ। लेकिन हो सकता है इसी साधारण से जीवन में से भी किसी को कुछ मिल जाए। जी, निश्चय ही यह एक साधारण व्यक्ति के भीतर का जो असाधारण तत्व है उसकी तलाश करता है। यह आत्मकथा तो है ही, मगर इसमें व्यक्ति और उस व्यक्ति का अपने परिवेश के साथ संघर्ष जिस तरह से अभिव्यक्त हुए हैं, उसमें साहित्य के जो समाजशास्त्रीय तत्व हैं वह भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। मैं चाहूँगा और कोई भी चाहेगा कि लोग ऐसी आत्मकथाओं को पढ़ें, और जब आप पढ़ेंगे तो निश्चय ही एक व्यक्ति की निर्माण प्रक्रिया से हम गुज़रते हैं और हमें भी अपने अवसाद के क्षणों में या कई बार सुख के पलों में भी बहुत कुछ सहेजने और समेटने का मौका मिलता है, अपनी पुरानी पीढ़ियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तिवारी साहब, मेरा सवाल जिस ओर था, जिसे मुक्तिबोध ने कहा कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही पड़ेंगे, तो ऐसे कुछ प्रसंग या ऐसी कुछ चीज़ें जिन्हें आपको लगा कि अगर लिख दिया जाए या अभिव्यक्त कर दिया जाए तो कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, कुछ अवांछित चीज़ें खड़ी हो सकती हैं, तो कहीं एक लेखक लिखते हुए जब स्वयं संपादक भी होता है तो क्या आपने उन चीज़ों का संपादन भी किया? और आज इन 4 वर्षों के बाद ऐसा लगता है कि कुछ वैसी चीज़ें जो रह गईं इस आत्मकथा में रहनी चाहिए थी। देखिए, मैंने आत्मकथा लिखा तो दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद यह नहीं रहा है कि मैं किसी को बेनकाब करूं, किसी के बारे में कटूक्ति करूं और इस तरह से अपनी आत्मकथा को चर्चित बनाने की कोशिश करूं। चर्चित बनाना मेरा बिल्कुल ही लक्ष्य नहीं रहा है। इसलिए मेरी कथा में, मेरी आत्मकथा जिन लोगों ने पढ़ी हैं, बहुतों ने पढ़ी हैं, बहुत लोगों ने खरीद खरीद कर पढ़ी हैं, मेरे पास सैकड़ों फ़ोन आते रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी आत्मकथा में आपने किसी के बारे में अपशब्द या किसी को लांछित करने की कोशिश नहीं की है। ये मेरी कोशिश रही है कि, और यह मेरा विश्वास भी रहा है कि मनुष्य जो है वो अगर स्वयं अपने प्रति गंभीर होकर अपने को नहीं बदलता है तो मैं किसी को अपराधी के रूप में खड़ा करके उसको नहीं बदल सकता। हाँ, अपनी कमजोरियों का जगह जगह उल्लेख जरूर किया है। और जैसे बढ़ई एक लकड़ी के टुकड़े को, अनगढ़ टुकड़े को मसूले से छील कर और उसको गढ़ गुड़ छील छाल करके
एक एक कलाकृति या एक मेज या कुर्सी बनाता है, मैंने अपने को उसी तरह से बनाने की कोशिश की। मेरे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या सारे भाव थे और उनको मैंने उन पर काबू पाने की कोशिश की। और इसमें गांधी ने मेरी बड़ी मदद की। गांधी जी को पढ़ने के बाद और उनका अधिकांश साहित्य पढ़ने के बाद और बहुत सारा संतों का और भक्तों का साहित्य पढ़ने के बाद मैंने ये महसूस किया अपने आत्मकथा के लेखन में और अपने जीवन में भी कि मैं स्वयं को गढ़ने गोढ़ने बनाने की का काम करूं। और वो मैंने किया, आज भी मैं कर रहा हूं। आज भी मैं अपनी कमजोरियों को जिसकी रिव्यू करना कहते हैं, जिसकी परीक्षा करना कहते हैं, वो करता रहता हूं। इसलिए मेरी आत्मकथा में किसी के बारे में कहीं कुछ नहीं है। मेरे 33 वर्षों का जीवन विश्वविद्यालय का जीवन रहा है। आप सोचिए विश्वविद्यालय में कितनी उठापटक होती होगी, लेकिन 33 वर्षों का जीवन मैंने 14 पृष्ठों में लिख दिया है। पूरे विश्वविद्यालय का जीवन 14 पृष्ठों में, जो सचमुच कहने की चीज है वो कही जानी चाहिए। जो अकथनीय है उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है, लोग उसको जानते हैं। हाँ, अपने वैचारिक जीवन को जरूर बढ़ाने की, बांग्लादेश और आपातकाल के जहाँ प्रसंग आते हैं वहाँ स्वाधीनता की चर्चा की है बुनियादी रूप से। इस जीवन को जो हम जिसमें हम रह रहे हैं उसको वैज्ञानिकों ने जैसा समझने की कोशिश की है, उसे समझने की कोशिश करने में मेरे ज़्यादा पृष्ठ खर्च हुए हैं कि ये पृथ्वी क्या है, ये आकाश क्या है और हमारे मन में इसके प्रति जिज्ञासाएं क्या हैं। तो इसलिए जो आगे का जो 4 वर्षों का जो आप जीवन बता रहे हैं, अकादमी के अध्यक्ष, अकादमी के मेरे जीवन काल में भी मुझे चुनाव भी लड़ना पड़ा। भारत की 24 भाषाओं के लेखकों के संपर्क में उन आना और उनसे अपने को वो करना, उनके साथ अपना निभाना, ये सब करना पड़ा। थोड़े थोड़े संकेत मैंने कर दिए हैं। मैं उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा बाकायदा और उसमें सारे भारत के लेखकों ने, सभी भाषाओं के लेखकों ने मतदान किए, तो उसमें कुछ मेरे विरोधी भी रहे, मेरे मित्र भी रहे, समर्थक भी रहे, लेकिन मैंने केवल संकेत किए हैं। किसने क्या किया यह सब बहुत विस्तार में जाना मेरा लक्ष्य नहीं रहा है। इधर का जो है वो मेरी अब उस आत्मकथा जो कि एक कलाकृति के रूप में सामने आई पूरी तरह से, अब फिर दोबारा आत्मकथा नहीं लिखी जा सकती, इसलिए मैं उसको अब डायरी के रूप में लिख रहा हूं। और अध्यक्ष होने के बाद का जो समय है, इधर 4 वर्षों की डायरी है, वो मेरी 6 महीने बाद प्रेस में जाएगी, क्योंकि मेरा अभी कार्यकाल 15 महीना है। मैं चाहता हूं कि वो मेरे अकादमी अध्यक्ष के रूप में हट जाने के बाद छपे, ताकि मैं जो जवाबदेह हूं और उसमें जैसे आपने कहा कुछ लोगों के बारे में कहने का, तो वो चीजें खुल करके सामने आवे, इस समय आ जाएंगी तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए यहां भी एक अपने स्वभाव के अनुरूप ही बदलना है, इस उसको यह रूप देना चाहता हूं और वो 6 महीने बाद आएगी। चलिए विश्राम कीजिए, बहुत हो गई।